अभी हम लोग सैंपल क्वेश्चन पेपर हिंदी ए में खंड क्रम एवं पठित गद्यांश को देखेंगे। इसमें दो पठित गद्यांश दिए हुए हैं और सब में 5-5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पठित गद्यांश को। तो लिखता है कि अंतर्राष्ट्रीय शरण संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसे ही सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व तो सिर्फ सरकार का है। यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने वालों एवं कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है, किंतु वास्तव में ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों और अभिभावकों द्वारा भी समाधित करना चाहिए। हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों, कारखानों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो कड़ाके की ठंड और तपती धूप की परवाह किए बिना काम करते हैं। विकासशील देशों में गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल मजदूर इंसानियत के लिए अपराध है जो समाज के लिए श्राप बनती जा रही है तथा जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज में यह अभिशाप क्यों मौजूद है। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेल कूद के माध्यम से उनके मस्तिष्क अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध माना जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक सभी लोग इसके प्रति सजग रहें और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन न छीन जाए, इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस अभियान में सरकार का पूरा साथ दें। तो देखिए इसमें क्या है, इस पठित गद्यांश को सबसे पहले हमको पढ़ना चाहिए सारे प्रश्नों को हल करने से पहले, और ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि जब प्रश्न पूछे तो किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन हमारे मन में न रहे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी ही सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। तो जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि लोग जो है ना ये सोचते हैं कि केवल सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है ना, तो इसका ऑप्शन ग हो जाएगा। हमने ध्यान से पढ़ा है तो हमको मालूम है कि बाल श्रम को समाप्त करना लोग सोचते हैं कि केवल सरकार का दायित्व है, लोग उसको अपना जिम्मेदारी यह नहीं मानते कि बच्चे भी मेरे ही बच्चे हैं, इनका भविष्य भी मेरे ही बच्चों के भविष्य के समान है और उनसे बाल श्रम करवाते हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका कि घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों में, कारखानों में अनेक बाल श्रमिकों को काम करता देख कर भी हम उदासीन क्यों बने रहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा बात क्या है कि हमारे देश में लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं हैं और इसके कारण वो संवेदनाहीन हो चुके हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन है कि हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा है कि हम जागरूक बनना नहीं चाहते, ये भी नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा जागरूक बनना चाहते हैं, सभी आज मॉडर्नाइज होना चाहते हैं, हम उनकी सहायता करना नहीं चाहते, ये भी नहीं है। लोग सहायता करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं क्यों बाल श्रम को लेकर लोग जो है ना संवेदना शून्य हो चुके हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन घ हो जाएगा, हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाना चाहिए। देखिए बाल श्रम क्या है, वो बच्चा जो आज मजदूरी कर रहा है, जो ढंग से शिक्षित नहीं होगा, भविष्य जाके क्या करेगा, वो छोटा मोटा काम करेगा, अपराध करेगा। तो ये चीज़ जो है बहुत ध्यान से सोचना चाहिए कि बाल श्रम को रोकने का सार्थक प्रयास होना ही चाहिए। तो का ऑप्शन है कि बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है, का है कि बाल श्रम के कारण वो जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो देखिए ये गलत बात है, बाल श्रम से कोई बच्चा कैसे बड़ा हो जाएगा। बाल श्रम के कारण बच्चों को घर पर ही रहना पड़ता है, ये भी गलत है। बाल श्रम के कारण बच्चों को विद्यालय आना नहीं पड़ता, तो विद्यालय नहीं आएगा तो उल्टा क्या होगा। तो सबसे पहला बात तो है कि बाल श्रम के कारण बच्चों का जो है ना बचपना चला जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन का सही होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल श्रम, बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है। क है जागरूकता का भाव, है ना, और ख है निर्धनता और भुखमरी, और ग है शिक्षा का भाव, और घ लोगों की मनोवृत्ति। तो ऐसा नहीं, लोगों में पर्याप्त जागरूकता है। वर्तमान में शिक्षा और इंटरनेट से लोगों को पूरा मालूम है कि बाल श्रम क्या होता है। शिक्षित लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लोगों की मनोवृत्ति भी सही है। लेकिन जो गरीब परिवार का बच्चा होता है, जिसके घर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती, माता पिता सक्षम नहीं होते और भुखमरी और गरीबी रहती है, वही कारण से ना बाल श्रम के लिए वो विवश हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ख सही होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है जो कि इस पठित गद्यांश का आखिरी क्वेश्चन है कि बाल श्रम जैसे सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान होता है। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सबसे बड़ा नुकसान होता है कि एक भविष्य में अच्छा नागरिक हमको नहीं मिल पाता। ठीक है ना, तो क्या होगा इसमें कि ऑप्शन का दिया है कि बाल श्रम एक बच्चे को बचपन के सभी लाभों से दूर रखता है,
है ना, ये उतना बड़ा नुकसान नहीं है। दूसरा, लाखों बच्चे उचित शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, ये भी नहीं है। और तीसरा जो है, बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। ये सभी ऑप्शन ठीक हैं, लेकिन जो देश को नुकसान होता है ना, वो ऑप्शन घ है कि बाल श्रम से देश को आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन घ सही होगा। तो आशा करता हूँ इस पठित गद्यांश के मेरे सॉल्यूशन से आपको इस वाले क्वेश्चन को समझने में और इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा।